में ग्रामीणों को आवंटित करने से आहत बुजुर्ग दंपत्ति द्वारा शुरू किया गया धरना अनशन शनिवार को लगातार चौथे दिन भी जारी रहा। शनिवार सवेरे वृद्ध छोगाराम अस्पताल से लौटकर सीधे धरना स्थल पर पहुंचे और धरने में शामिल हो गए। उन्होंने कहा चिकित्सा अधिकारियों ने रक्तचाप असामान्य होने पर सिरोही के सरकारी अस्पताल में दाखिल कर लिया था। आज सवेरे अनशनकर्ता छोगाराम पुत्र कुपाराम सुतार फिर से धरने में शरीक हो गए, जबकि छोगाराम सुतार की पत्नी चंपा देवी का धरना भी शनिवार को बकायदा जारी रहा। रेवतर तहसील के आसावा गांव निवासी 80 वर्षीय छोगाराम पुत्र कुपाराम सुतार ने गत दिनों जिला कलेक्टर को एक ज्ञापन सौंपकर अपनी पैतृक जमीन अन्य ग्रामीणों को आवंटित किए जाने की शिकायत की थी। संतोषजनक उत्तर नहीं मिलने पर वह अपनी 72 वर्षीय पत्नी श्रीमती चंपा देवी सुतार के साथ बुधवार से ही आसावा ग्राम सभा भवन के सामने धरने पर बैठ गए। इधर आज दिन भर धरना स्थल पर उनसे मिलने वालों का तांता लगा रहा। सिरोही से जागरूक टीवी की रिपोर्ट।